आज से समर वेकेशंस ख़त्म हो चुके हैं, बच्चों के स्कूल से स्टार्ट हो गए। हम आज निर्जला 11 से एकादशी, तो उसमें बस ऐसे ही बाल्टी में पानी भर के, ये एक टॉवल है, गमछा बोलते घर में, इस टाइप की पंखी दी जाती है, चीनी, आम, रुपया, ये मेरी मम्मी ने कर लिया, ये मेरा, फिर बायना निकलता है जो सास को दिया जाता है। तो ऐसे हम लोग की आज पूजा होती है। आज के दिन मेरा व्रत रहता है, तो व्रत के लिए मैंने आज आलू का हलवा बनाया है। उसके लिए मैंने घी लिया है कढ़ाई में और आलू को बॉईल करके मैश करके उसमें भुना है। इसको बस थोड़ा टाइम लगता है आलू का सीरा बनाने के लिए। उसको भून लिया है, देखिए इतने अच्छे से भुन गया पूरा। फिर अब इसमें मैंने थोड़ा सा दूध दिया है, थोड़ा सा एकदम, जिससे उसकी कंसिस्टेंसी अच्छी हो जाएगी। फिर चीनी, बस रेडी हो जाता है। उसको चीनी देके भी थोड़ा देर भुनना है अच्छे से, और सीरा रेडी है, हलवा, हम लोग आलू का सीरा बोलते हैं, हलवा, हलवा रेडी है। हमको फिर से मेरी एसपीएन ग्रुप की मीटिंग थी 4 बजे से, वो मैंने अटेंड की, उसकी कुछ पिक्स शेयर कर रही हूँ। मंडे को फिर मैंने और कुछ भी शूट नहीं किया। अब है नेक्स्ट मॉर्निंग ट्यूसडे, 22 जून है आज। आज जो कोर्ट में लिख रही थी उसको लिखते हुए मुझको बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत हंसी भी आ रही थी और अच्छा भी लग रहा था। ऑनलाइन क्लास चल रही है लेकिन यहाँ पे हो रहा है कुछ दूसरा ही काम। डिम्पल तो अपनी मूवी में लगी हुई है और अभी सुबह के हो रहे हैं 11 o'clock। तुम लोग ऐसे लड़ रहे हो ना, ठीक है हम वीडियो शूट कर हम डाल देंगे। मॉम यही कर रही है, ये बोल रही है कि ये वो एक इंसान है जो मेरे को मारना चाहती है। परी थी, अरे इसको प्रैक्टिस करवा रहा है इसको कि इसको ताकतवर बनना चाहिए ना, कोई इसको मारना चाहता हो तो ताकतवर बने हम। परी थी, अरे मम्मा हर एक इंसान ऐसे ही पकड़ता है, आप आती हो। परी थी, अगर लग गया, अगर कोई रोते रोते आया ना तो देख लेना। यहाँ पे ना कंटिन्यूसली बारिश हो रही है, मतलब बहुत कम ही धूप निकलती है। वेदर ठीक रहता है लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, उससे क्या होता है ना, मॉइस्चर बना रहता है, तो रोज़ प्लांट्स में पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कभी कभी जैसे थोड़ा सा दिन 15 डेज पे इधर दे रही हूँ मैं, आज 15 दिन हो गया होगा पूरा, पूरे प्लांट्स को पानी दिए हुए। उसके लीव्स में थोड़ी थोड़ी मिट्टी भी, मतलब धूल से, जो थोड़े मेरी बालकनी में रहते हैं, इंडोर भी जो रहते हैं, थोड़ा सा लीव ख़राब हो जाते, तो छोटों को तो मैं टिश्यू पेपर से पोंछ लेती हूँ, लेकिन बड़े प्लांट्स को मैं ऐसे वॉश करती हूँ। जैसे जैसे प्लांट्स बड़े होते हैं उनके कुछ पत्तियाँ साइड से पीली भी पड़ने लग जाती हैं, कुछ तो पूरी हो जाती हैं, किसी किसी के ना सिर्फ साइड में होता है, तो उसको ऐसे काट देते हैं। काटने से क्या होता है, देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, और फिर उस पत्तियों को पीलापन होना और ज़्यादा पीला होना बंद हो जाता है, वहीं रुक जाता है। ये प्लांट्स को आज के लिए बैल्कनी में ही रखूँगी, पूरे घर के प्लांट्स को भी, जितने भी घर के अंदर रखे थे उनको भी मैं बाहर बैल्कनी में आज दिन भर रखूँगी। कल भी वेदर देखूँगी, अगर ठीक रहेगा तो रख के फिर अंदर रखूँगी, नहीं तो यहीं रहने दूँगी। मेरा ये काम सबसे ज़्यादा फेवरेट है, मुझको प्लांट्स में पानी देना, उसका केयर करना,
प्लांट्स लगाना मुझको बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। आज लंच में है बच्चों के लिए व्हाइट सॉस पास्ता। हेलो फ्रेंड्स, तो कल हम लोगों ने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, वो था ऐसा क्या है जो मुझ में है तुम में नहीं है, झंडे में है पर डंडे में नहीं है, वो है लेटर झ। मुझ झ में है और झंडे में है लेकिन डंडे में नहीं है। सही आंसर है जिन्होंने दिया है, उनका नाम है प्रिया नानोलिया, रोहित मुनका, आशा गोलियान, हर्षा बंसल, प्रीति कांसल। प्रीति कांसल जो है उनको उनका YouTube में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे वो कमेंट नहीं कर पा रही हैं YouTube ब्लॉग में, मतलब वीडियो में कमेंट नहीं कर पा रही हैं, तो उन्होंने मेरे से नंबर लिया है, मेरा WhatsApp नंबर पे मुझको मैसेज करती हैं आंसर को। मतलब सो स्वीट, बहुत अच्छा लगा उनका। जितने बार भी उन्होंने अभी दिया है, मैंने तो कितना एक दो टू शायद मैंने उनका आंसर मिस भी कर दिया है, तो सॉरी है उस चीज़ के लिए। लेकिन वो हमेशा हर ब्लॉग में कमेंट करती हैं व्हाट्सएप में, जिससे मतलब इतना अच्छा लग रहा था मुझको ये चीज़, तो मैं वही सोची आज शेयर करूँ मैं, तो ये चीज़ है। और आज का जो क्वेश्चन था, आज लोगों को समझ में नहीं आ रहा कौन सा क्वेश्चन करे। ठीक है, तो दीदी मेरे को हमेशा से एक क्वेश्चन पूछते आ रही थी। एक कमरे में 200 लोग थे और 200 गए, तो वो लोग कितने बचे? मैंने मम्मी से पूछा, मम्मा ने गलत आंसर दिया। जी नहीं, सच सच, प्रॉमिस। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जल्दी से। और एक बात और है कि जैसे हम लोगों का वीडियो में कमेंट भी आया है, ये भी आया है कि हम लोग Q&A वीडियो लेकर आए, मतलब कि क्वेश्चन आंसर राउंड लेकर आए, आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे हम लोग उसका आंसर करें। तो उसके लिए क्वेश्चंस आप लोग पूछिए, मैं भी एकदम रेडी हूँ देने के लिए, वो वीडियो बनाने के लिए। तो आप लोग क्वेश्चंस पूछिए, मैं फिर जब क्वेश्चंस इकट्ठे हो जाएंगे, मतलब एक प्रॉपर वीडियो के टाइप में हो जाएंगे, तो उसका आंसर लेके जरूर आऊँगी मैं। और एक बात और कि अभी तक किसी ने क्वेश्चन किया नहीं, लेकिन मुझको मन में ऐसा आया कि मैं जो ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ रोज, आप लोग आंसर देते हैं, मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, तो इससे क्या बेनिफिट है, क्या फायदा है इस क्वेश्चन, क्या है, देना है तो दो, नहीं तो मत दो, क्या है, जरूरी नहीं है ना इस टाइप से। लेकिन इसमें एक चीज है, मैं जो प्लानिंग कर रखी हूँ अभी, जैसे कि मेरे सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा नहीं है, तो अभी 1000 सब्सक्राइबर हो जाने के बाद मैं एक गिव अवे करूंगी। उसमें क्या होगा, जो अभी तक मैं सारे क्वेश्चंस पूछ रही हूँ उसका सबका जिन्होंने भी कमेंट किया है मैं सबको नोट डाउन करती हूँ। आप लोगों ने देखा भी होगा कि मैं किसी डायरी से बोलती हूँ, नाम को पहले हम लोग लिखते हैं फिर उसको हम लोग बोलते हैं, तो वो सारे नाम जो भी, और ऐसे भी कमेंट बॉक्स में तो रहता ही है, वो भी कोई बात नहीं है, और जितने लोगों के भी नाम हैं वो सब मेरे पास लिखे हुए हैं। तो जब 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे मेरे कंप्लीट, तब मैं एक गिव अवे निकालूंगी, वो इस चीज का कि जिसने सबसे ज्यादा आंसर्स दिए हैं करेक्ट आंसर, हर ब्लॉग में उन्होंने कमेंट किया है और जिन्होंने आंसर दिए हैं, सब्सक्राइब किया हुआ है मेरा चैनल को, तो उसके लिए ये है। तो आप लोग ऐसे मत सोचिएगा कि क्या फायदा, क्यों हम लोग दें आंसर, क्यों दें, तो इसके पीछे भी कुछ है, तो वो आप लोगों को फिर जब हो जाएगा वो चीज़, तो उसके साथ में आएगा, उसमें मैं आप लोगों से जिसका भी होगा उसका एड्रेस मैं मंगाऊंगी और उसके घर तक मेरा जो भी गिफ्ट रहेगा वो वहाँ तक जाएगा। तो ये इस चीज़ का मेन मोटो है मेरा कि मैं ये करूँ, और ये कंटिन्यू रहेगा, मैं इसको स्किप नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि अभी जो हम लोग ब्लॉग बनाते हैं, आज ही जैसे देख लीजिए मैम क्या बनाऊँ, रोज रोज क्या कंटेंट लेकर आए, खाना बना रहे हैं, बच्चों को दे रहे हैं, जूस निकाल रहे हैं, या कुछ भी प्लांटेशन का भी जो मैं रोज करती हूँ, तो वो हम लोग एक या दो ब्लॉग में दिखा सकते हैं ना, डेली का काम हम लोग कितना दिखा लेंगे, क्लीनिंग करना है या कुछ भी, या कुछ मैं DIY बना रही हूँ, वो सब चीज़ में कुछ नयापन रहता है, वो मैं कर सकती हूँ शेयर, तो रोज रोज वो भी नहीं करती हूँ। जो जो चीज़ रोज का जो काम है उसको हम लोग कितना ब्लॉग के थ्रू दिखाएंगे, तो सब बोर हो जाएंगे ना,
आप लोग तो बोर होने वाले ही है, क्योंकि हम लोग ही जब बोलते हैं कि रोज रोज वही कर करके बोर हो गए तो देखने वाला तो ऑटोमेटिकली बोर होना ही है। इसीलिए मैं रोज डेली मतलब जो मुझको अच्छा लगता है जो मैं कर रही हूँ उसमें कुछ मैं नया, जैसे आप कोई कुकिंग का कुछ वीडियो है, जैसे हम लोगों ने कुछ दिन पहले गुलाब जामुन बनाया था मम्मा ने, जब वही जैसे कि कुछ भी कुकिंग है तो उसमें कुछ मैं नया मतलब कुछ भी नया तो नहीं, सब लोग ही बनाते हैं, बट मैं बना रही हूँ तो मैं उसका वीडियो शेयर कर देती हूँ। लेकिन रोज तो अब मैं दाल चावल रोटी सब्जी तो नहीं शेयर करूंगी ना, तो इसलिए कंटेंट सिर्फ डेली ब्लॉग डालने में भी वही लगता है। आज जैसे कि मेरे को ये होगा कि मैं क्या डालूं, रोज का क्या चीज, वैसी चीज को बार बार रखो, इसलिए मैंने क्वेश्चन भी डाला अपने उसमें ब्लॉग में कि कम से कम ये तो कुछ यूनिकनेस तो रहे कि मतलब जो चार्म बना रहेगा ना कि हाँ ये क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर, मुझको भी चार्म रहता है, मुझको भी इंटरेस्ट लगेगा ना कि मैं कमेंट जल्दी जल्दी चेक करूँ किसके कमेंट्स आ रहे हैं, उसके नाम लिखने हैं मुझको। हम लोग सुबह से आधी बार तो ये भी पढ़ी थी भी मम्मा देखते ना क्या आया कमेंट में, क्या आया मम्मा देखते ना नाम लिखना किसका जिम्मेदारी, इसको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट लगती है कि मैं नाम लिखूं, इन्होंने कमेंट किया, और बहुत अच्छा अच्छा कमेंट भी आता है, बहुत अच्छा लगता है। लास्ट वीडियो के ऊपर में भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, थैंक यू सबको कि आप लोग इतना वो करते, इसलिए मेरा ब्लॉग थोड़ा लेट हो जाता है, मतलब हो रहा है इधर में एक दो बार से, क्योंकि डेली सेम सेम चीज डालना ना नहीं समझ में आता है, सब बोर हो जाएंगे फिर आप लोग, सब लोग भाग जाओगे। इसीलिए मैं जैसे भी जो भी होगा कभी डेली भी डाल दूंगी, कभी एक दिन का इधर होगा, लेकिन आएगा ब्लॉग जरूर आएगा क्योंकि मैं इसमें रेगुलर रहना चाहती हूँ, और आप लोग का सपोर्ट पूरा चाहिए हमको। आप लोग जितना जल्दी से जल्दी मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ाओगे, जितने लोग सब्सक्राइब करेंगे उससे मैं भी मोटिवेट होंगी, और नए नए मतलब कुछ करने का गिव अवे भी होता रहेगा, और अच्छे अच्छे नए नए कंटेंट्स भी आते रहेंगे, मजा आएगा। तो प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को, कुछ भी नहीं लगता है, फ्री है एकदम, देखिए ज्यादा लॉन्ग वीडियो मैं बनाती भी नहीं हूँ, आराम से देखिए वीडियो को, लाइक जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और क्वेश्चन आप लोग जरूर करिए, उसके लिए क्यू एंड ए जो वीडियो लेके आना है वो जरूर से लेके आएंगे हम लोग। लव यू फ्रेंड्स, बाय 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 बाय।